ठीक है, लेकिन हमने इस लेवल पे दो ही जो है वो बड़े डिटेल के साथ डिस्कस करने हैं, करंट एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड एसेट्स। इसके अलावा टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, काफी यानी कैटेगरीज है। लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो इन दोनों पे रहेगा, करंट एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट्स। तो अभी हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स, हर वो एसेट जो विद इन 12 मंथ्स यानी ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स यानी 1 ईयर इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, यानी जिनको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर लें 12 महीने के अंदर अंदर, सच एज जो आपके पास कैश पड़ी हुई है वो तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, जो बैंक में आपके पास कैश पड़ी हुई है, जाहिर है जब बैंक में जाएंगे वो किसी भी वक्त उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बैंक में जाएं, चेक लिख के दें या एटीएम से आप विड्रॉ कर लें तो वो बैंक बैलेंस आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल्स ही हमने इनको डिफाइन किया हुआ है कि ये वो कस्टमर्स हैं जो हमसे उधार पे चीजें ले जाते हैं या हम इनको उधार पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जिनकी पेमेंट हमें फ्यूचर में रिसीव होनी है तो वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स कहलाते हैं। तो ये भी करंट एसेट्स में आते हैं, जाहिर है कि जब हम इनसे डिमांड करेंगे तो ये हमें पे करके चले जाएंगे तो ये अकाउंट रिसीवेबल्स कन्वर्ट हो जाएंगे इंटू करंट एसेट्स, ठीक है। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो बिफोर टाइम हमने पे कर दिए हैं, ठीक है, यानी जिनका टाइम अभी आया नहीं, हमने एडवांस में ही एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट्स में आते हैं। इसी तरह जो इन्वेंट्री है जिसको आपने बेचना है, ठीक है, वो इन्वेंट्री आपका करंट एसेट है, ठीक है, वो किसी भी वक्त बेचे इन्वेंट्री कस्टमर ले जाएगा, उसके बदले आपको कैश पे कर देगा, जिसकी वजह से वो इन्वेंट्री कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कैश में। तो ये भी आपका क्या कहलाया, करंट एसेट कहलाया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट आपका फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी सेकेंड कैटेगरी जो हमने डिस्कस करनी है। तो ये वो एसेट्स हैं जो बिजनेस में बेसिकली लॉन्ग टर्म यूज के लिए लाए जाते हैं, यानी इनकी पहचान ये है कि इनको हमने बेचना नहीं होता, इनको बिजनेस में यूज करने के लिए लाया जाता है। लाइक मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइबिलिटीज यानी बैलेंस शीट की सेकंड कैटेगरी, सेकंड कंटेंट, वो है लाइबिलिटीज। तो ये वो ऑब्लिगेशंस हैं या डेप्ट्स हैं या वो बॉरविंग्स हैं जो आपने एट द टाइम ऑफ नीड किसी से ली हैं और जिनको आपने फ्यूचर में अदा करना है, सिंपली यानी कि वो ऑब्लिगेशंस आर डेट्स विच आर पेएबल इन फ्यूचर फॉर पास्ट ट्रांजेक्शन, यानी कभी पास्ट में आपने कोई चीज जो है वो लोन वगैरह किसी से लिया है, कर्ज लिया है, या फिर आपने कोई चीज उधार पे खरीदी है तो जिसकी पेमेंट अभी आपने फ्यूचर में करनी है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, लाइबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। अब इसकी भी आगे जो है ना वो कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, एक आपकी करंट और या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहलाती है और एक आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाती है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि करंट या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या होती है। तो दोज लाइबिलिटीज विच आर ड्यू विद इन 12 मंथ्स, यानी जिनको पे करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 12 मंथ्स का पीरियड है, ठीक है, 12 महीने के अंदर अंदर आपने वो लाइबिलिटी सेटल करनी है, ठीक है, सच एज अकाउंट पेबल, शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल, अक्रूड एक्सपेंसिस, ठीक है, ये ऐसे जो लाइबिलिटीज हैं जिनके लिए आपको मैक्सिमम 12 मंथ्स का पीरियड मिलता है, उसके अंदर आपने इनको पे बैक करना होता है, तो ये आपकी करंट लाइबिलिटीज कहलाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, इनको पे करने के लिए आपके पास 1 साल से ज्यादा का अर्सा होता है, वो 2 साल भी हो सकते हैं, वो थ्री ईयर्स भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन, यानी अप टू मोर देन 1 ईयर अप टू सो ऑन। तो उनको हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहेंगे। अब इसमें जो मेन आती हैं लाइबिलिटीज वो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं और बॉन्ड्स पेएबल वगैरह हैं, ठीक है। तो इसके बाद आ जाए तीसरा कंटेंट बैलेंस शीट का, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ठीक है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। अब इसमें तीन चीजें बेसिकली जो है वो इंक्लूड होती हैं, इसमें एक कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक है और देन रिटेन अर्निंग्स है। इनको हम अलग से यानी डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन स्टॉक क्या होता है, प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है और रिटेन अर्निंग्स क्या होती है, यानी इन तीनों को अगर आप अकमुलेट कर लें, टोटल कर लें, तो वो क्या बन जाएगी, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन स्टॉक को। अच्छा, कॉमन स्टॉक क्या होता है, आपको पता है कि भी जो कंपनी होती है ना वो बेसिकली अपना जो कैपिटल है वो रेज करती है थ्रू इशुइंग शेयर्स, यानी पब्लिक को इनवाइट करती है, ठीक है, उनको शेयर्स इशू करती है, वो शेयर्स जो है वो पब्लिक खरीद लेती है, तो वो स्टॉक होल्डर्स बन जाती है।
यानी कि वो यानी कि जब खरीद लेंगे तो वो फिर स्टॉक होल्डर्स बन जाएंगे। अब उन स्टॉक होल्डर्स में दो किस्म के आपको नजर आएंगे, एक कॉमन स्टॉक होल्डर्स और एक प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स। कॉमन स्टॉक होल्डर्स ये बेसिकली रेजिडुअल ओनर्स होते हैं ऑफ द फर्म। रेजिडुअल का मतलब ये होता है कि सबसे आखिर पे इनका शेयर ऑफ इनकम बनता है, यानी सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद फिर उसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को उनका प्रॉफिट यानी इन फॉर्म ऑफ प्रेफर्ड डिविडेंड पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो इनके हिस्से में आता है, इसीलिए इनको कॉमन स्टॉक होल्डर्स कहते हैं। और इसमें एक और चीज भी है कि जब एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, बाज़ात कंपनीज अच्छा बिजनेस नहीं कर रही होती, उन्हें वाइंड अप करना पड़ता है, लिक्विडेट करना पड़ता है अपने बिजनेस को, तो इनको जब इनका कैपिटल वापस होगा ना वो सबसे एंड पे होगा, यानी सबसे पहले क्रेडिटर्स की पेमेंट की जाएगी, फिर उसके बाद जो लोन्स वगैरह लिए हुए हैं कंपनी ने पहले वो पे बैक किए जाएंगे, फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को उनकी जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस की जाएगी, और एंड पे फिर जो बचेगी वो इनके हिस्से में आएगी। वो बचे या ना बचे अब ये इनकी जो है ना ये डिपेंड करता है कंपनी की लिक्विडेशन पोजिशन पे, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, कॉमन स्टॉक होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स तो वो हुए कि जिनको हमने डिविडेंड भी बाद में देना है,